अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सफला खान की तरफ से। इस वक्त हम MPT 2023 CSS की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा इसमें जो पोर्शन है वो है पाकिस्तान अफेयर्स, और इस वक्त हमारा जो टॉपिक शुरू हम करें ये है अफर्टिंग लॉ लुक ऑन प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो पहला हमारा जो प्रोविंस है वो है जी बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में जो है हमारा जो पहला है ये बलूचिस्तान ऑकुपाई द डैश पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका है बी, यानी कि साउथ वेस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान जो है ये लेती है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू, ये है इन इट हैज़ कॉमन बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड डैश, वो टॉप ऑप्शन है सी, यानी कि ईरान, ईरान के साथ बलूचिस्तान की बॉर्डर मिलती है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री, ये है सिंध लाइज टू इट्स डैश, यानी कि ए, यानी कि साउथ ईस्ट में जो इसके सिंध है बलूचिस्तान के। आगे हमारे पास है पंजाब, पंजाब लाइज टू इट्स डैश के ए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है पंजाब आता है। आगे है ए, यानी कि है फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है, ये है खैर पख्तून खा एंड फाटा लाइज टू इट्स नॉर्थ, यानी कि सी ऑप्शन। आगे हमारे पास है सी, ये है बलूचिस्तान इज़ द डैश प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है डी, यानी कि लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है ज़मीन के हिसाब से। आगे है द एरिया ऑफ बलूचिस्तान इज़ 10 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 347, यानी 190 किलोमीटर्स। आगे हमारे पास है नेक्स्ट, ये है ए, ये है बलूचिस्तान इज़ डैश परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या 44% टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान का है। आगे है क्वेश्चन नंबर नाइन, ये है द पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान इज़ डैश परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 5.94। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टेन, ये है देर आर डैश डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान, तो कितने हैं डी, तो इसका है 34 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के। आगे हमारे से क्वेश्चन नंबर 11, ये है द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज, तो कैपिटल बलूचिस्तान का क्वेटा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना चलते हैं ऑप्शन नए और दूसरे प्रोविंस के तरफ। तो ये हमारा प्रोविंस जो है पंजाब है, तो इस पंजाब का पहला जो MCQ है वो है पंजाब ऑक्योपाई द डैश पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये करते हैं बी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है पाकिस्तान का ये हिस्सा जो है ऑक्यूपाई करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर टू, ये ऑन द ईस्ट इट हैज़ कॉमन बॉर्डर विद डैश, तो ईस्ट में किसके साथ बॉर्डर है पाकिस्तान की, सी, यानी कि इंडिया के साथ। आगे हमारे पास है थ्री, ये सिंध लाइज टू इट डैश, यानी कि डी, यानी कि साउथ साइड पे जो है सिंध आता है। आगे हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा लाइज टू इट्स वेस्ट, यानी कि वेस्ट ऑफ पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा आती है। आगे हमारे पास है फाइव, जम्मू एंड कश्मीर लाइज टू इट्स नॉर्थ, यानी कि इसके नॉर्थ में जम्मू और कश्मीर पंजाब के आता है। आगे हमारे पास है देर आर ये आता है हमारे पास पंजाब इज़ द क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये हमारे पास आता है पंजाब इज़ द डैश एरिया वाइज, इसका है ए सी, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट जो है एरिया है लैंड की ज़मीन के हिसाब से। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवन, ये है द एरिया ऑफ पंजाब इज़ डैश स्क्वायर किलोमीटर, तो एरिया हमारा कितना है पंजाब का, 205345। आगे हमारे पास है द क्वेश्चन नंबर एट, ये है द एरिया ऑफ पाकिस्तान इज डैश परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो वो है जी 30% ऑफ पाकिस्तान, यानी बी ऑप्शन है। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन द टोटल नाइन को द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज डैश परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो है 52.947% जो पॉपुलेशन है वही पंजाबी पंजाब में लोग रहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर टेन है, ये डेयर आर डैश डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पंजाब में जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसकी ऑप्शन है हमारे पास जी 10, यानी कि 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये इसकी ऑप्शन है हमारे पास 36 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के। आगे हम चलते हैं सिंध में, तो सिंध के जो है प्रोविंसेस के बारे में, ये है सिंध इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, तो ये क्या इसका थर्ड आएगा, यानी कि बी ऑप्शन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू, ये है द एरिया ऑफ सिंध इज़ डैश स्क्वायर किलोमीटर, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 140
यानी 194 किलोमीटर है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये है द एरिया ऑफ सिंध इज डैश परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या 18% ऑफ द टोटल पाकिस्तान का जो सिंध है। आगे आते हैं हमारे पास 4, ये द पॉपुलेशन ऑफ सिंध इज 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो है 23% ऑफ पाकिस्तान है। आगे सिंध क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये है सिंध ऑक्यूपाई द डैश पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो है ए यानी कि साउथ साउथ ईस्टर्न। आगे मेरे पास है 6, ये है ऑन द ईस्ट इट हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद डैश, इसकी बेस्ट ऑप्शन है ए यानी कि इंडिया। आगे हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर से पंजाब लाइज इन इट्स डैश साइड, तो वो किधर है, नॉर्थ साइड यानी कि सी ऑप्शन। आगे मेरे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 8, ये बलूचिस्तान लाइज इन द इन इट्स डैश साइड यानी कि वेस्ट साइड पे, बलूचिस्तान के जो सिंध है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द अरेबियन सी लाइज टू इट्स डैश साइड यानी कि साउथ साइड पर अरेबियन सी। आगे हमारे पास देयर आर डैश डिस्ट्रिक्ट इन सिंध, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास सिंध के। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, अगला हमारे पास प्रोविंस ये है खैबर पख्तूनख्वा, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये खैबर पख्तूनख्वा अकर्स खैबर पख्तूनख्वा ऑक्यूपाइज द डैश पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये करता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इट हैज़ बॉर्डर्स विद पंजाब ऑन द डैश यानी कि सी ए यानी कि ईस्ट तरफ इसके जो है वो पंजाब है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये है बलूचिस्तान लाइज टू इट्स डैश यानी कि साउथ यानी कि बी ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये है गिलगित बल्तिस्तान लाइज टू इट्स डैश यानी कि सी नॉर्थ साइड पे जो है गिलगित बल्तिस्तान है। आगे हमारे पास है ऑन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट खैबर पख्तूनख्वा हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद डैश यानी कि डी यानी कि अफगानिस्तान। आगे हमारे पास है 6, ये है द एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज़ डैश स्क्वेयर किलोमीटर्स, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है डी यानी कि 101741 किलोमीटर्स जो इसकी है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ये है द एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज़ डैश परसेंट ऑफ द कंट्री, ये है 6 यानी कि ऑप्शन। आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ये है द पॉपुलेशन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज़ डैश परसेंट ऑफ कंट्री, तो ये ए यानी कि 18% है ऑफ द कंट्री। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो आफ्टर 31st अमेंडमेंट तो इसके खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो जो है डिस्ट्रिक्ट 35 हो गए। तो यहाँ पे जो है हमारे ये प्रोविंसेस का जो है ये इख्तिताम पज़ीर होता है। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी खान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी खान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सफ़ी खान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी खान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब आप देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।